वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग वेलकम हो गया हमारे बिल्कुल ही न्यू लेटेस्ट सीरीज़ में जिसका नाम है कार फॉर सेल्स सिमुलेटर। यस, मेरे पास पीसी नहीं है तो मैंने गरीबों की तरह मोबाइल में करा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। मोबाइल में तुम देख सकते हो अच्छा खासा ग्राफिक्स है, अच्छा खासा गेम है, मतलब बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत फ़र्क है मेरा कंप्यूटर वगैरह है, यहाँ पर मैं सो सकता हूँ, ये बेड वेड है थोड़ा बहुत, और उसमें कंटेनर होता है, उसमें कंटेनर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सिंपल काम है, हमें गाड़ियाँ ख़रीदनी है और बेचनी है। तो अब जल्दी जल्दी हम चलते हैं कार मार्केट में और चल के हमारी पहली गाड़ी को ख़रीदते हैं, उसको वॉश वगैरह करवाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं कार मार्केट में फाइनली, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि रेड वाली गाड़ी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, और ये हमारी रेंज में भी है तो हम इनसे ख़रीद सकते हैं। या ये तो बड़ी घटिया गाड़ी लग रही है, बहुत सस्ती भी है तो इसे भी ख़रीद सकते हैं, और ये तो मुझे रेंज से भारी लग रही है सारी, मगर ये वही गाड़ी है बिल्कुल सेम, बस थोड़ी सी अलग है। और इसमें भी पूछ लेते हैं, प्राइस देख लेते हैं। ओह, ये तो महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसको आज की इस वीडियो में हम ख़रीदेंगे इन गाड़ियों को, और इनको ज़रूर बेचेंगे हम इन गाड़ियों को ख़रीद के। यस, आज की इस वीडियो में हम ये वाली गाड़ी ज़रूर ख़रीद के रहेंगे, बड़ी वाली जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि महंगी है, मगर एक वक्त आएगा जब मैं ये भी ख़रीद लूँगा। और हमने फाइनली हमारी पहली गाड़ी ख़रीद ली है, अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं इसको चल के थोड़ा सही वही करवा देते हैं, थोड़ी बहुत डैमेज वगैरह है तो सब कुछ करवा देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को फिर मैं जल्दी जल्दी से इस गाड़ी को बेच देता हूँ। तो यहाँ पे सही करवाने के लिए एक दुकान होती है आगे जाके, तो उस दुकान पे चलते हैं जल्दी से। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, थोड़े ब्रेक वगैरह मारने पड़ेंगे, और ये फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी इस दुकान में, और अब जल्दी से अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं गाड़ी प्यारे तरीके से अंदर ले जाता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत डैमेज हो और डैमेज ही ना मार दूँ मैं, तो जल्दी जल्दी से लगा दी है, और अब मैं चलिए इसे रिपेयर करके तुम लोगों से मिलता हूँ गाड़ी। तो गाइस, मेरे लगा रिपेयर $50-100 तक का होगा, मगर ये रिपेयर तो बहुत ही महंगा है, तो बस ऐसे ही बस वॉश करवा ली है, अब देखते हैं प्रॉफिट हो जाए, बस हो जाए, बिक जाए बस गाड़ी अच्छी, थोड़ी बहुत महंगी बिक जाए, 2-3 हज़ार का ही हो जाए, वो भी बहुत है इस गाड़ी के लिए। तो अब चलिए इसे चल के इसको दुकान में लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर दुकान में इसको यूँ और ऐसे करके फुल प्यारे तरीके से लगाएंगे, ताकि जब कस्टमर आए तो उसको लगे कि ओ माय गॉड, इतनी प्यारी गाड़ी सामने से तो क्या ही लग रही है। मतलब उल्टी नहीं लगाएंगे वो, वरना आएगा कहेगा अबे ये तो गाड़ियाँ भी इसने सही सही लगाई हुई, क्या गाड़ियाँ बेचेगा। तो इतनी अच्छी गाड़ी के लिए मैं बोलता हूँ कम से कम 13,000 रुपये तो बनते हैं ना। तो हमने लगा दी है सेल पर हमारी गाड़ी, और अब चलिए इसे कस्टमर आने का वेट करते हैं, और फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ जैसे कस्टमर आते हैं इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। तो गाइस, हम हमारी दुकान पर फाइनली हमारा पहला कस्टमर आ चुका है। कस्टमर साहब, बहस नहीं करूँगा अगर ये ख़रीद रहा है तो, वो ये वैसी गाड़ी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो मैं इसको 8,000 में बेचा था और ये कुछ 11-12 तक में जा रही है, तो मतलब ये कुछ हुआ मेरा प्रॉफिट कुछ 12 में ले गया है ये, फाइनली मैं इसको बेच दिया। मैकलरीन देने आया भाई ये मुझे मुफ्त में, मैकलरीन तुम चेक करो यार ब्रो, दे दे भाई, तू फ्री में देने आया है, तुझे पसंद नहीं आ रही है गाड़ी, अच्छा बेचने आया है, चला भाई जा खुश खुश। ये ऐसी छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं लेते यार गाइस, हम ये छोटी मोटी मैकलरीन जैसी गाड़ियाँ तू। अब जल्दी से चलते कार मार्केट में, और जिसका मैंने वादा करा था कि मैं ख़रीद के ही रहूँगा, अब वो गाड़ी ख़रीदने का वक्त आ चुका है, लेट्स गो। मैंने क्या बोला था, खरीद कर ही रहूँगा, और ये गाड़ी स्पॉइलर लगा हुआ है भाई साहब, स्पॉइलर पहले वाली वैसी थी, तो मैं पहले इसको ख़रीद देता हूँ और इसको जल्दी जल्दी से चल के बेचते हैं, और फिर हम अपनी मेन जो गाड़ी है जिसका मैं तुम लोग से वादा किया था ख़रीदने का, वो ख़रीदेंगे। 8,000 इसको बोल के देखते हैं, क्या पता 8,000 में मान जाए, नहीं मान रहा है, $100 भी कम नहीं कर रहा, चल भाई ले जाया तू बेच दे। तो अब इस गाड़ी में जल्दी से चलते हैं, इसको रिपेयर करवा के देखते हैं, और ये देखते हैं फिर क्या महंगी बिकती है, रिपेयर से मतलब कोई फ़र्क वर्क पड़ता है ऐसे ही ये बिगाड़ में बस ऐसे ही रिपेयर गए, सब ड्रामा है। तो जल्दी से इसको रिपेयर वगैरह करवा दें और वॉश वगैरह करवा के फिर देखते हैं कि क्या ये बिकेगी सही, या बस ये ऐसे ही ड्रामा है सब, ये बिकती बिकती है नहीं रिपेयर वगैरह का कुछ। भाई ट्रिफ्ट सही मारती है गाड़ी, मतलब स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ फुल अच्छी गाड़ी है, पहले वाली भी यही थी, वो थोड़ी कम डैमेज थी, ये ज़्यादा डैमेज है, बस फर्क इतना है। ओए होए ड्रिफ्ट चेक करी, मतलब तुम्हारा भाई तो है ही प्रो ड्राइवर। तो जल्दी से इसको अंदर चल के लगा देते हैं सबसे पहले, हाँ सबसे लगाते हैं, जितना डैमेज है वो डबल ना हो जाए कहीं, आराम आराम से बड़े प्यारे तरीके से ये हमने लगा दिया इसको।
अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे इसको रिपेयर करवाता हूँ और वॉश भी करवाता हूँ, इतने पैसे लग गए रिपेयर और वॉश में, उसको कलर भी करवाएंगे भाई, सब फुल बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बना के बेचेंगे भाई से। और स्पोर्ट्स का वो ग्रीन बड़ा प्यारा कलर लग रहा है, सोचो यही करवा दो। तो हमने फाइनली अपनी गाड़ी में ग्रीन कलर करवा दिया, फुल बेहतरीन कर लिया अपनी गाड़ी को। और अब जल्दी जल्दी से इसको चल के देखते हैं क्या ये बिकेगी। अब अच्छी महंगी तो बिकनी तो चाहिए, क्योंकि इतनी प्यारी गाड़ी है, मतलब इतना मुझे पसंद आ गई है कि मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ही रख लूँ, अपने लिए रख लूँ ये गाड़ी, इतनी प्यारी गाड़ी है। मगर खैर अभी तो थोड़े गरीब आदमी है, इतना ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसी गाड़ी लेंगे हम, इससे भी बेहतरीन, इससे भी आला तरीन गाड़ी लेंगे और उसे अपने लिए रखेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। तो अब चलिए चलते इसको बेचना, खुल गया बपासी से। यहाँ पे है 8,000 की हमने ख़रीदी है, इसमें हमने 2,000 खर्चा किया, मतलब 12,000 कुछ हमारा खर्चा, 15,000 में अगर मैं इसको बेचने का देखूँ तो क्या ये बिकेगी, देखते हैं। कस्टमर आ गया है, अब देखते हैं क्या बिकेगी 15,000 में। 14,500 दे रही है कुछ, तो अगर मैं इसे 15,000 ही लगाऊँ तो ये क्या खरीद लेगा। ले गया, लेट्स गो, हमने कमा लिया है बड़ा प्रॉफिट हमारी पहली गाड़ी पे। अब हम चलिए जिस गाड़ी का मैं वादा करा था वो चलते हैं अब हम खरीदने। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक विलेज है और एक कार मार्केट है। तो पता नहीं है, मैं इधर तो गए नहीं हूँ कार मार्केट में, इधर कभी आया ही नहीं हूँ विलेज में, तो विलेज पहले चेक कर लेते हैं क्या पता है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सस्ती गाड़ियाँ मिल रही हूँ कार मार्केट में, लूट रहे हो मुझे अभी तो। BMW मिल रही है यहाँ, तो सब यहाँ पे तो अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं इसको अगर प्राइस दूँ हमारे 15,200 रुपये तो क्या देगा, छोड़ो छोड़ो भाई छोड़ो। चलिए जल्दी से और गाड़ियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सुना है यहाँ पे भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, और जो भी ये गेम शुरू करता है वो सबसे पहले यहीं आता है, लेकिन मैं होशियार आदमी हूँ जो मार्केट में चला गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम गाड़ी में आके होंगे, चेक करता हूँ कितने की। यहाँ पे रेड वाली लग भी प्यारी रही है, चलिए बता भाई है वहाँ पे वो मुझे बेच रहा है कितने की, 12,000-13,000 की, और यहाँ पे 9,000 दे रहा है। तब ये अच्छी तो है, 9,600 दे रहा है, चल भाई दे रहे, थोड़ी सी और ऑफर दे के देख लेते हैं क्या बता दे। तो गाइस अब मैं चलिए इस गाड़ी को सब तैयार कर लिया। तो गाइस फाइनली मैं पूरी गाड़ी तैयार वगैरह कर लिया, सब कर लिया इसमें, और अब इसको बेचने के लिए लाया हूँ। अब देखते हैं कितने बिकती है इसमें। कुछ मैंने 9,600 की कुछ खरीदी थी, 4,000 का कुछ खर्चा करा है, तो ये हमारी हुई कुछ हमारी कुछ 1,500 तक की गाड़ी हुई है। तो इसको हम 1,400 मतलब 14,000 डॉलर्स की हुई है। तो उसको बेचने के लिए देखता हूँ। सबसे पहले रात हो गई तो यहाँ पर सो जाते हैं, अपने ये सोफे पर सोना पड़ रहा है, गरीबी देख लो, मतलब क्या इससे गरीब आदमी देखा है सोफे पर जो सो रहा हो बेचारा। और गाड़ी भाई गाड़ी एक से एक, सोएगा ऑफिस के सोफे पर, घर नहीं है सोने के। तो फाइनली कहा जहाँ पर हमारे कस्टमर आ चुके हैं, और ये कितने पैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है अबे यार ये क्या, ये बोल रहा है हमें 18,000। इस गाड़ी ने काफ़ी प्रॉफिट करवाया है, अगर मैं सिर्फ 21,000 बोलूँ क्या खरीदेगा, नहीं नहीं खरीद, 20,000 अगर मैं से बोलूँ, पूरे 19,000 तक ही बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 19,000 ही है। तो अगर मैं इसको 20,000 ऑफर दूँ, नहीं ले गया, लेट्स गो, अब हमारे पास आ चुके हैं 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये से अब हम अच्छी खासी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो हम आ गए दोबारा मार्केट में, और यहाँ पे ये BVM वाली गाड़ी दोबारा से आ गई है, तो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। 7,000 रुपये नहीं दे रहा, इसको देते हैं हम 8,000 में देते, नहीं दे रहा भाई, ये बेचते नहीं है, लेकिन वो जो ख़रीदना आता है वो बार्गेनिंग कर लेते हैं अच्छी का, तो वो अच्छे लोग होते हैं। और यहाँ पे मैं दो गाड़ियाँ ख़रीद सकता हूँ, तो मैं ख़रीद लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये वाइट वाली ख़रीद लूँ, ब्लैक वाली, वाइट वाली महंगी है, ब्लैक खरीद लेता हूँ, कोई बस सही बात ही नहीं है। तो चलिए जैसे हम अपनी ब्लैक वाली गाड़ी को खरीद दे रहे हैं, 13,000 में दे रहे तो दे रहे भाई, नहीं दे रहा चलो छोड़ो भाई, इतने पैसे है ही नहीं मेरे पास, चल भाई चल निकल। अब इससे जल्दी से गाड़ी खरीद लेते हैं हमारी, और फिर इसको गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने शोरूम में, मतलब शोरूम नहीं जो भी वो जगह है एक, तो वहाँ चलते हैं जल्दी से इन गाड़ियों को लेकर, उसको मैं लेके जाता हूँ। बल्कि एक को टो करवा देता हूँ ना, हाँ इसको टो करवा देता हूँ, टो करवा दिया मैंने, और इसमें बैठ के हम चलते हैं हमारे मेन शोरूम में, मतलब शोरूम क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब डीलरशिप हमारी जो है, जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी बिकती हैं, वहाँ पे हम लेके चलते हैं। और ये मैं रिपेयर के लिए लेके चलता हूँ,
मैं रिपेयर करा के मिलता हूँ। तो गाइस रिपेयर वगैरह के तो पैसे थे नहीं मेरे पास, और यहाँ पे एक बंदा अपनी ग्रैंडी लेके आया है। मतलब ये टोयोटा की कार होती है, इसको पाकिस्तान में ग्रैंडी ग्रैंडी बोलते हैं। तो ये भाई ग्रैंडी लेके आया है यहाँ पे, और देखते हैं हम ग्रैंडी के इससे पूछते हैं पैसे ऐसे कितने में दे रहे हैं। अच्छे प्राइस दे रहे तो मैं ग्रैंडी खरीद सकता हूँ ईजीली, मसला नहीं है मुझे। तो मैं इस गाड़ी को बेचता हूँ फिर उसको। अच्छा अभी यार मैं सो गया गलती से, नहीं मैं सो गया गलती कर दी मैंने, गलती सो गया। खैर कोई बात नहीं, अब ग्रैंडी के से प्राइस पूछता हूँ। ये अभी तक खड़ा पूरी रात ये मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था बेचारा। चलो अच्छा आदमी हूँ, 24,000 में खरीद सकता हूँ, मैं 24,000 कमा सकता हूँ। चलो यहाँ पे कस्टमर भी आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। 12,000 में ले जा भाई तू ले जा। अब मैं जल्दी से उस गाड़ी को अच्छा करता हूँ, मगर जब तक ये ग्रैंडी और चले आएगा। खैर तो फाइनली गाइस मैं इसको फुल बेहतरीन कर लिया इस गाड़ी को, और इसको जल्दी जल्दी से अब हम बेचने पे लगाते हैं। इसमें मैंने कुछ 6,000 लगाया, कुछ 16,000 का मेरा इसमें कुछ खर्चा आया है, $16,000 का। मतलब देख रहे हो यार, अमीर आदमी $16,000 गाड़ी को मॉडिफाई करवाने में लगाता है और सोता अपने ऑफिस में है। कोई बात नहीं, घर नहीं है तो क्या हुआ, खरीद लेंगे एक दिन, खरीद लेंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं अब इसके कस्टमर आने का, और गाड़ी देख सकते हो तुम कितनी प्यारी लग रही है। मतलब तब देखो यार, इसको देख के कोई बोल सकता है घटिया गाड़ी है। तो जल्दी से इंतज़ार करते हैं। फाइनली यहाँ पे कस्टमर आ गए हैं, और ये हमें 18,000 की डील दे, अब ले जा भाई। और ऑक्शन खुलने वाला है, तो ऑक्शन मैंने सुना है यहाँ पे कुछ गाड़ियों का ऑक्शन वगैरह होता है, गाड़ियाँ वो सस्ती मिल जाती हैं, अच्छी मिलती है, और देखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बिड बहुत ऊपर ऊपर तक लगाते हैं, लोग लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी से हम यहाँ चल के बैठ जाते हैं ऑप्शन में, आगे बैठेंगे भाई, पीछे नहीं आगे। ये कौन सी ये चल गई, ओह ये तो अच्छी गाड़ी बिक जाती है आराम से, और डैमेज भी नहीं है ना, गंदी है। तो ये तो आराम से हमारी ये वाली जो गाड़ी है ये कितने 13,000 तक की तो बिक जाती है ईजीली, 12,000 तक की। तो अब हम देखते हैं यार क्या, ओ भाई 64 डबल प्रॉफिट भाई, छोड़ो भाई छोड़ो, बहुत प्यारी गाड़ी है यार, इस पे तो मैं ही खरीदूँगा, बिड लगा देता हूँ, क्या पता मिल जाए, नहीं ऐसा है लगाएंगे ना बिड अपनी। खैर चलो, तो बस तीसरी गाड़ी फाइनली आ गई, और ये अपने मतलब की गाड़ी, और ये इतनी सस्ती मिल रही है, इतनी सस्ती गाड़ी मिल रही है ऑक्शन में। तो मैं ऑक्शन करता रहता हूँ इसके लिए जब तक मुझे मिलती नहीं है, मैं इंतज़ार करता हूँ। और ये मुझे मिल जाए ना तो बेहतरीन प्रॉफिट हो जाएगा इन गाड़ियों का। और आज की इस वीडियो को मैं इसी के साथ ख़त्म कर दूंगा, तो देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। अबे कौन है ये साला, पेड़ पे पेड़ लगाए जा रहा, दे दे भाई। अबे विल्ली 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 साले हड़िया, प्लीज़ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गई, लेट्स गो। और ये मैकलेरिन फिर से आ गई, एक दिन गाइस मैकलेरिन भी खरीदेंगे एक दिन। तो बस पहली ऑप्शन ख़त्म हो गया, मैकलेरिन बहुत महंगी बिक गई, तो हम इन दोनों गाड़ियों को टो करवाए थे। जल्दी से इसको तो बैठ के चलते हैं, और अब इनको चलिए जल्दी से बेहतरीन तरीके से अपने ऑफिस वगैरह में लगाए थे, इनमें कोई मसला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब से इन्हें हमें प्रॉफिट में बेचना है। तो हम मैं सोचता हूँ अगली वीडियो में बेचूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इतनी लंबी वैसे मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट बनानी पड़ गई तो खैर वाली बात है यार। तो तुम बता सकते हो मुझे कि मैं अगली गाड़ी में, अगली वीडियो में कौन सी गाड़ियाँ खरीदूँ। आप देख सकते हो मेरे शोरूम का लुक, अभी से दो गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, अमीर बंदा, और पैसों की भी कुछ कमी वमी नहीं है, कुछ $11,000 है भाई आपके बंदे के पास, तो गरीब तो हूँ ही नहीं मैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में अगली गाड़ी में। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैं अगली वीडियो में कौन सी गाड़ी खरीदूँ, और इस गेम में जो है सुपर M4 जैसी गाड़ियाँ भी हैं, तो सोच लो एक दिन वो भी मैं खरीदूंगा, और मैकलेरिन तो ज़रूर खरीदनी है।